ओम साईं राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आजकल मैं अपना कैसे टाइम बिता रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कई महीने से मम्मी के घर पे हूँ, अपने घर क्यों नहीं जा रही हूँ, वो तो मैं बीच बीच में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और कैसे टाइम बिता रही हूँ बता रही हूँ कि मैं अपना इलाज भी करा रही हूँ, साथ में ज़्यादा टेंशन ना हो, जो भी ओकेज़न हो रहे हैं वो सबको दिल से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे जैसे मेरा एनिवर्सरी हो, या मेरी बेटियों का बर्थडे हो, या मेरी अब दीदी का एनिवर्सरी 25वीं सालगिरह आने वाला है, सब कुछ करके जाऊंगी। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, तो ये हाथ का, जैसे बताई कि 6 महीना पहले मेरा हाथ टूट गया था, तो काम करने लायक तो ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी पेन है। और एक्सरसाइज का बताई थी कि मूवमेंट उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनका कहना है कि बिल्कुल नॉर्मल हाथ करना ज़रूरी भी है और आपका हो भी जाएगा, बस ये है कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे वीकनेस है तो जिसके कारण मुझे बहुत आलस आता है और मैं बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे अगर मैं आलस, मतलब थोड़ा सा हिम्मत करके मैं करूँ भी, तो मुझे पेन बहुत होता है हाथ में एक्सरसाइज करने में। तो उन्होंने बोला हाँ, पेन तो होगा ही, तो पेन किलर उन्होंने दवाई दिया और 2 टाइम खाने के लिए और 4 टाइम हाथ सेकने के लिए बोले, सिकाई करने के लिए प्लास्टिक के थैले में। और जो दवाई होता है पेन का, वो दवाई भी लगाने के लिए बोले हैं। और जैसे मूव हो गया कोई भी चीज़, उन्होंने वैसे स्पेशल लिख के भी दिया, बहुत अच्छा दवाई है, तो वो भी लगा के। और फिर दिन में 4 बार एक्सरसाइज करना है। लेकिन मेरी छोटी बेटी तो खाने में इतना नखरा करती है और इतना टाइम लगाती है कि एक तो मुझे खुद ही वीकनेस है, बताई हूँ कि मुझे होमोग्लोबिन विटामिन कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ही, मतलब कम है बहुत ज़्यादा, तो जिसके कारण मैं एक नॉर्मल काम भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ। और वो सब करना ज़रूरी है, इस वजह से मतलब टाइम टाइम से मुझे हर चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। समझ नहीं आ रहा है मैं कौन से काम करूं या कौन से नहीं करूं। सेम ऐसे ही सोच लीजिए जैसे मैथ साइंस, मतलब पेपर के टाइम पे सारे सब्जेक्ट लगता है कि मैं कौन सा तैयारी करूं, कौन सा नहीं करूं, वही सेम मेरे साथ भी हो रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा मुझे आँख में भी प्रॉब्लम है और आँख में भी दवाई ले रही हूँ, उसमें भी बताऊँगी, मतलब ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई है, आंसू जो होते हैं, मतलब या ब्लड की कमी से कहिए, जो भी कारण है, मतलब वो सूख गया है, तो वो मतलब उसके लिए भी दवाई दिए हैं। अभी चश्मा नंबर नहीं लगा है क्योंकि जब लगेगा तो मतलब पहले ये 3 महीने दवाई डालना है, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो चश्मा लगाना है। अभी क्योंकि आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नंबर कुछ समझ नहीं आया क्या ले क्या नहीं ले, तो और ये सारा मैं हॉस्पिटल बराबर आती जाती रहती हूँ क्योंकि एम्स में इतना अलाउड नहीं है वीडियो लेने का। मुझे पता नहीं था, थोड़ा बहुत ही ली, लेकिन मतलब बाद में पता चलता है कि वीडियो नहीं लेना है, तो मैं अंदर का नहीं सूट करती हूँ। और मतलब ऐसे पेशेंट मुझे मिलते हैं, यकीन कीजिएगा, अगर अलाउड भी होता तो मेरी हिम्मत नहीं होती है पेशेंट लोग का वीडियो बनाने का। और सच बोलूँ ये सबसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। घर में तो लगता है ना कि बस मुझे ही दुख है, मुझे ही तकलीफ़ है, और जब आप बाहर निकलते हैं तब जब मैं लोगों का दुख देखती हूँ ना, सच बोलूँ
मुझे बस लगता है कि मेरा दुख कुछ भी नहीं है, नाखून भर है और मैं आराम से अपनी प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती हूँ। यकीन मानिएगा, हम तो फिर भी अकेले एम्स आते हैं जाते हैं, क्योंकि बहुत बार जाना पड़ता है तो किसको लेके भी जाए। और फिर हस्बैंड भी अब आजकल स्टार्ट कर दिए हैं, तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि जब मेरा ये हाल है तो मतलब हस्बैंड का तो और ज़्यादा मतलब तबीयत में प्रॉब्लम होगी। सच में उनका भी रिपोर्ट सही नहीं आ रहा है, लेकिन अपना प्रॉब्लम हैंडल करने के साथ साथ हस्बैंड का भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा टेंशन आधे मतलब अपने से ज़्यादा हस्बैंड को लेके हमेशा ही रहा, तो जो कि कई लोग नहीं समझ पाते थे मेरे गुस्से का, मेरे चिड़चिड़ापन का, कि मैं क्यों इतना टेंशन में रहती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड के आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और मतलब 21-22 मार्च से जो लॉकडाउन 2020 में हुआ था, तो 20 मार्च मुझे अच्छे से याद है, डिलीवरी से पहले मैं अपने हस्बैंड का लेज़र ऑपरेशन भी करवाई थी, और उसके बाद मतलब डॉक्टर के वो टच में ही नहीं रहे, तो मुझे उनके तबीयत को लेके बहुत टेंशन में रहती थी और मैं किसी से बोल भी नहीं पाती थी कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे मैं अपना भी हस्बैंड का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, और पूरा भगवान को उम्मीद है हो जाएगा। और मैं और भी कुछ उपाय कर रही हूँ, वो जब हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मतलब मैं हॉस्पिटल का ही चक्कर नहीं लगा रही हूँ, मैं बीच बीच में और भी कहीं जाती हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और बस अभी लाइफ में यूट्यूब या दुकान लेना मतलब समझिए, ये सब चीज़ से ज़्यादा एक बहुत बड़ा चीज़ मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर वो चीज़ ठीक हो गया तो सोचिए मतलब मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं वहाँ भी बीच बीच में जाती हूँ, और उम्मीद है कि साईं बाबा ज़रूर सुनेंगे। मेरे हस्बैंड तो बीच में एक बार हो भी आए, और वहाँ पे बाबा को मतलब जो बोलना था, मेरी तबीयत या अपनी तबीयत जो भी है, सब कुछ हम लोग क्योंकि साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो वहाँ हम लोग फिर बीच में जब मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। अभी क्योंकि बहुत गर्मी, जब यहाँ पे गर्मी है तो वहाँ भी गर्मी और ज़्यादा होगी, और बस ऐसे ही चल रहा है, बाबा की कृपा रही तो धीरे धीरे सब प्रॉब्लम का हल ज़रूर निकलेगा।